आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। नंबर 12 है हमारा, इफ एक्स इज इक्वल टू पी प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द इक्वेशन 1 अपॉन 2 फाइव एक्स माइनस 30 माइनस 1 अपॉन 3 1 प्लस 7 पी इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो यहां पर एक्स की वैल्यू पी प्लस वन दी हुई है, वो इस एक्स की जगह पर पुट अप कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 5 और p प्लस 1 कर देंगे इस x की जगह पर और माइनस 30 कर देंगे, सॉरी इसके बाद इक्वल टू यहां माइनस 1 अपॉन 3 और 1 प्लस 7 पी ऐसे ही रखेंगे और इक्वल टू 1 अपॉन 4 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहां पर कि 1 अपॉन 2 कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 इंटू पी 5 पी और प्लस 5 बन जा 5 5 माइनस 30, इसे सॉल्व कर लेंगे माइनस 1 अपॉन 3 1 प्लस 7 पी इक्वल टू 1 बाई 4। फिर 1 बाई 2 कर देंगे, ब्रैकेट में 5 पी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गए, 30 में से 5 गया तो माइनस का 25 रह जाएगा, माइनस का 1 बाई 3 1 प्लस 7 पी इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, उसके बाद 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 अपॉन 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पी माइनस 25 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 से पूरा माइनस, इसे 1 अपॉन 3 से करेंगे तो 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 7 पी अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, 1 अपॉन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 4 अपनी जगह पर है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, 2 3 या 6 तो 3 से करेंगे, 3 5 या 15 पी माइनस 25, 3 या 75। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2 प्लस 2 7 जा 14 पी इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 15 पी माइनस का 75 माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 14 पी इक्वल टू 1 बाई 4 अपॉन 6। अब फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 15p है, ये माइनस का 14p है तो यहां बचेगा खाली p, माइनस माइनस प्लस 75 और 2 हो जाएगा 77 इक्वल टू 1 बाई 4 और यहां पर अपॉन 6। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई चालू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या देगी, 4 को अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4 को 77 से करूं तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 2 30, ये आ जाएगा 4p माइनस 308 और इक्वल टू ये आ जाएगा 6 बन जा 6। अब आ जाएगा 4p इक्वल टू 6 और ये माइनस 308 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 308, फिर आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 308 और 6 314। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया यहां पे, 4p इक्वल टू 314 और p इक्वल टू 314 अपॉन 4, 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 157 अपॉन 2। ठीक है, तो 157 अपॉन 2 को अगर मैं मिक्स में करूं तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 बचा 1 उतारा 7, 2 8 जा 16 बचा 1 तो ये आ जाएगा 78 होल 1 अपॉन 2, तो 78 होल 1 अपॉन 2 इसका आंसर होगा, जिसे हम 157 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया x की वैल्यू p प्लस 1 रखने के बाद। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।